ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने वाले 11 अक्टूबर सोमवार आज के वृश्चिक राशि फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आज के दिन माता पिता का आशीर्वाद और सहयोग आपको अवश्य ही प्राप्त हो सकता है तथा घर परिवार में भाई बहनों का सहयोग मिलने की संभावना पाई जाती है। संतान पक्ष को लेकर चिंताएं बढ़ने की भी संभावना है और साथ ही आने वाले दिनों में आपको काफी फायदा भी हो सकता है। आपकी इनकम बढ़ने के योग बन रहे हैं। अगर आप किसी बात को लेकर कुछ दिनों से परेशान चल रहे थे तो उसमें आपको राहत मिलने की भी संभावना बन रही है और जीवन साथी के साथ रिश्तों में मिठास आएगी और लव रिलेशनशिप के लिए दिन बेहतर रहेंगे जिससे घर परिवार में खुशियां और सुख शांति बनी रहेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना अभी सही नहीं होगा। धन के लेन देन में पूर्णतया सावधानी बरतें, अन्यथा आज आपका धन फंस भी सकता है। सावधान रहें और साथ ही अपनी कोशिशें और अपने कामकाज में संलग्न रहना आपके लिए लाभदायक रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके लिए आज क्या नेगेटिव रहने वाला है। स्वयं पर भरोसा रखकर कार्य करेंगे तो आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। दूसरों के साथ विचार विमर्श से आप किसी गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं। साथ ही अपने संपर्क सूत्रों का दायरा और अधिक विस्तृत करने की आवश्यकता है। किसी नजदीकी या रिश्तेदार से मतभेद भी हो सकते हैं, इसलिए दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें। बिना मांगे किसी को सलाह मशवरा बिल्कुल भी ना दें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए आपका व्यवसाय कैसा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी छवि और प्रतिष्ठा में निखार आएगा। नए अनुबंध मिलेंगे जो आर्थिक दृष्टिकोण से फायदेमंद साबित होंगे। जी हां दोस्तों, नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए अभी स्थिति यथावत ही बनी रहेगी, इसलिए किसी भी तरह का परिवर्तन लाने की चेष्टा ना करें। कार्य क्षेत्र में आपका मैनेजमेंट तथा कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल काम को गति और अधिक गति दिलाएगा। आज व्यवसाय में लाभ के योग भी रहेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। पारिवारिक माहौल खुशनुमा बना रहेगा। पति पत्नी दोनों मिलकर अपनी पुरानी गलतियों को सुधारेंगे जिससे आपसी मतभेद दूर हो जाएंगे। ये पल प्यार के लिए बहुत ही यादगार पल रहने वाले हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उन रिश्तों की जो अलग से हैं, तो आज आप अपने पुराने मित्र को देखकर चौंक जाएंगे, खुश हो जाएंगे। काफ़ी समय से बात ना हो पाने के कारण जो आपके बीच में दूरी आ गई थी वो अब काफ़ी कम हो जाएंगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने से आज स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी, छुटकारा मिलेगा। और अधिक स्वस्थ रहने के लिए आप नियमित योग करें, व्यायाम करें और प्राणायाम करें और अधिक स्वस्थ रहें। दोस्तों आज आप ये उपाय अवश्य करें, शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और बेलपत्र अर्पित करें। इसी के साथ 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा करने से आपके समस्त संकट मिट जाएंगे। दोस्तों आपको भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में जय शिव अवश्य लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।